नाम। नमस्कार साथियों, 8 बज गए हैं और हम लोग अब अपनी चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। इस समय सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव इसके अधिष्ठाता देवता है और पिछले 2 सत्रों में, एक में भगवान शिव का परिचय और दूसरे सत्र में जिज्ञासा शांति का कार्यक्रम किया गया था। अगर किसी साथी का कोई 1-2 प्रश्न बाकी रह गया हो तो वो कर ले, जिससे कि सत्र को आगे बढ़ाया जाए। कोई जिज्ञासा है या आगे बढ़ो? हेलो गुरु जी, एक कंफ्यूजन था। बोलिए बोलिए। गुरु जी, मैं गुजरात से हूँ तो आपके यहाँ उत्तर में तो 25 तारीख से सावन शुरू हो गया है और हमारे यहाँ 9 तारीख से शुरू हो रहा है, ये डिस्टेंस क्यों है इतना? हमारे यहाँ कृष्ण पक्ष से चंद्रमा शुरू होता है और गुजरात में शुक्ल पक्ष से चंद्रमा शुरू होता है, ये अंतर है। इस वजह से 15 दिन का अंतर। ठीक है जी, चलिए आगे 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 बढ़ते हैं। तो भगवान शिव का जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है वो है महाशिवरात्रि। भगवान शिव अनादि है, अनंत है और अनंत काल तक रहेंगे, इसलिए उनका कोई भी जन्म उत्सव दिवस नहीं होता। लेकिन भगवान शिव के प्रतिनिधि के तौर पर जो पद है शैवों का, सबसे प्रमुख पद, वो शंकर है। और ज्ञात इतिहास में शंकर का पहला विवाह माता सती के साथ हुआ था, जो राजा दक्ष की बेटी थी, जिसका पिछले एपिसोड में काफी विस्तार के साथ हमने पूरा वर्णन बताया था। तो ये जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, ये भगवान शिव की मैरिज एनिवर्सरी के तौर पर हम लोग इसको मनाते हैं। इसी दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, फागुन मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। इसके अलावा प्रति मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जो त्योहार होता है, दिन होता है, उसको शिवरात्रि कहा जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शिवरात्रि का त्योहार प्रति मास जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को होता है, उसके व्रत की जो शुरुआत है वो त्रयोदशी के सायंकाल चंद्र उदय के साथ शुरू हो जाती है। जैसे जैसे सूर्य छिपता है, रात्रि आरंभ होती है, वैसे वैसे ये त्योहार का आभा मंडल बन जाता है और शैव लोग प्रत्येक मास के त्रयोदशी के सायंकाल से व्रत रहते हैं और फिर इसको अगले दिन पूरा कुछ निराजल रहते हैं, कुछ फलाहार रहते हैं और फिर रात भर व्रत रहने के बाद उसके अगले दिन अमावस्या को वह पूर्ण हो जाता है। इस अमावस्या के दिन बहुत से जगहों पर, नदी में, तालाब में, देव स्थल पर, शिवालय में जाकर स्नान व्रत करने का भी विधान है। मतलब त्रयोदशी की रात्रि से व्रत शुरू हुआ, चतुर्दशी को फलाहार किया और उसके बाद अमावस्या की प्रातः स्नान करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है, व्रत को पूर्ण किया जाता है। भगवान शिव के ऊपर बहुत से ग्रंथों में
वर्णन मिलता है, और बहुत से शैव ग्रंथ जिनको कालांतर में वैष्णव आक्रांताओं ने जलाकर नष्ट कर दिए, लेकिन इसके बाद भी जो उपलब्ध साहित्य है उसमें प्रमुख साहित्य के तौर पर यजुर्वेद का शुक्ल पक्ष जो मंत्र प्रधान है उसमें भगवान शिव के अनुष्ठान का विधि विधान से पूरा वर्णन मिलता है। जो हम रुद्राभिषेक करते हैं, इस रुद्राभिषेक में जिन श्लोकों को पढ़ा जाता है, अष्टाध्यायी जिसमें 8 श्लोक भगवान शिव पर, 8 अध्याय और बाकी के 2 अध्याय शिव की प्रार्थना आदि पर है, तो ये जो अष्टाध्यायी है, इस अष्टाध्यायी का जो उद्गम स्थल है वो यजुर्वेद का शुक्ल पक्ष ही है। इसके अलावा शैव ऊर्जा शैव शक्ति के लिए जो सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है वो शिव पुराण माना जाता है। इसके अलावा लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, वायु पुराण में, मत्स्य पुराण में, कूर्म पुराण में, अग्नि पुराण में, मतलब कि लगभग हर पुराण में भगवान शिव का वर्णन उनके किसी न किसी रूप में मिलता है। साधना के तौर पर मिलता है, तंत्र के तौर पर मिलता है, ऊर्जा के तौर पर मिलता है, तरंग के तौर पर मिलता है, मतलब अनेक स्वरूप जो भगवान शिव के हैं उन सारे स्वरूपों का वर्णन किए बिना कोई भी धर्म ग्रंथ अपने आप में पूर्ण नहीं होता। इसलिए आप कोई भी धर्म ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, उसमें भगवान शिव से संदर्भ में कुछ ना कुछ पोर्शन जरूर होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक ग्रंथ हैं, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, जो श्रुति और स्मृति के आधार पर तमिल भाषा में संग्रहित किए थे रावण ने, क्योंकि रावण ने भगवान शिव के ऊपर सबसे बड़ा संकलन तैयार किया पूरी दुनिया में, तो वो जो संकलन तैयार किया गया था वो रावण के मृत्यु के बाद वैष्णव की प्रभावशाली हो जाने पर वह ज्ञान विलुप्त हो गया जो श्रुति और स्मृति के आधार पर संकलन किया गया था, लोगों की याददाश्त के आधार पर जो संकलन किया गया। लेकिन अभी भी तमिल के जो लोक गीत हैं वो परंपरागत तरीके से जो गाए जा रहे हैं उसमें भी रावण के उस संकलन की छवि प्राप्त होती है। अगर तमिल के प्राचीन विद्वानों के साथ कोई वार्ता करिए और उस वार्ता में अगर उन्हें अपने तमिल साहित्य की थोड़ी भी भान भनक है तो उन्हें शैव जीवन शैली के ग्रंथ या रावण द्वारा संग्रहित ज्ञान का अंश रूप जानकारी जरूर उन्हें होगी। मेरे कई साथी जो तमिल भाषा के विद्वान हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि अंग्रेजों ने तंत्र को समाप्त करने के लिए 200 साल तक तमिल भाषा के परंपरागत शब्दों को बदल दिया। आज उन शब्दों का संबोधन कोई और हो गया। जैसे मैंने अपने पुराने वक्तव्य में कहा था कि मृग का तात्पर्य है मारे जाने योग्य पशु, क्योंकि वैष्णव लोग गौवंश का पालन करते थे और गायों को चरने के लिए जंगल भेजा करते थे, तो वहां पर प्रायः शेर उन गायों का शिकार कर लेते। तो जितने वैष्णव राजा हुए
भगवान श्री कृष्ण पर। उन सभी राजाओं ने गौपालकों को यह अधिकार दे रखा था कि गौवंश की रक्षा के लिए यदि वह चाहे तो शेर को मार सकते, वो मृग है, मारे जाने योग्य। लेकिन कालांतर में पुरुषार्थ की कमी और साहस की कमी हो जाने पर मृग का तात्पर्य हिरण हो गया, शेर नहीं रह गया। तो जिस तरह आज के साहित्यों में अगर मृग शब्द का प्रयोग किया जाता है पिछले 500 साल के अंदर, तो इसका तात्पर्य हिरण है। लेकिन 500 साल से पुराने साहित्यों में जैसे मृग रक्तम, मृग का रक्त आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है, जो बच्चे जन्म से बहुत डरपोक होते हैं उनको मृग नखम, मृग का नख पहनाया जाता है, शेर का नाखून पहनाया जाता है। तो ये जो मृग है वो उसके पंजा है तभी तो उसमें नाखून निकलेगा। अगर वो हिरण है उसके खुर है तो खुर में तो नाखून होता नहीं। तो वहां पर जो तंत्र सामग्रियों में मृग नखम का वर्णन है उसका तात्पर्य है शेर का नाम। लेकिन ज्ञान के अभाव में वर्तमान तांत्रिक हिरण के खुर को काटकर उसका तंत्र में प्रयोग करने का विधान करते हैं। मृग रक्तम बीमारी फैलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, उसी तरह प्राचीन काल में तांत्रिक लोग अपने राजा के सहयोग समर्थन के लिए पड़ोस के राज्यों में वायरस अटैक किया करते। उस वायरस अटैक को करने के लिए जिन तंत्र के संसाधनों का प्रयोग करते उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कस्तूरी और मृग रक्तम। इनके कॉम्बिनेशन से जो चीज बनाई जाती थी वो इतना बड़ा, इतना खतरनाक जैविक हमला होता था कि वो हमला जिस राज्य में फैला दिया जाता था वो नदी की परिधि के अंदर अपना कार्य करता था, नदी के बहाव के उस पार वो वायरस नहीं जा पाता। तो वहां पर मृग रक्तम जो प्रयोग किया गया है वो शेर के रक्त की बात है। और आजकल अगर मृग रक्तम की बात की जाएगी तो लोग कहेंगे हिरण का रक्त। तो कहने का तात्पर्य जो है वो टोटल ये है कि शास्त्र अगर उपलब्ध भी हो, उनमें शब्द भी मिल जाएं और सिद्धांत भी मिल जाए, तो भी अगर उसके प्रयोग करने वाले व्यक्ति को शब्दों के इतिहास विन्यास की जानकारी नहीं है, शब्दों के इतिहास के उत्पत्ति की जानकारी नहीं है, तो वह व्यक्ति ना तो आयुर्वेद में अच्छी औषधि का निर्माण कर सकता है और ना ही अच्छे तंत्र में तांत्रिक सामग्रियों का प्रयोग कर सकता है। अब जैसे चंद्रशेषा, ये किसी पेड़ पे नहीं पैदा होती, किसी जानवर में नहीं पैदा होती, कहीं नहीं होती। ये सफेद तरह का एक कैप्सूल होता है, उसके अंदर एक छोटा सा कण होता है, ऐसे हिलाने पर खड़खड़ 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 बजता है, जिसका वशीकरण में बहुत बड़ा प्रयोग किया जाता है। चंद्रशेषा पहाड़ की चोटियों पर प्रायः मिलता है। क्यों? क्योंकि ये उल्का पिंड के जलने के उपरांत उल्का पिंड का जो टुकड़ा होता है, अंश होता है, उसके चारों तरफ ओस का एक कवच बना देता है
और वह कवच कोष का इतना स्ट्रांग बनता है उस उल्का पिंड के मैग्नेटिक पावर के कारण कि उसको आप सामान्यतः हाथ से दबा के नहीं तोड़ सकते। ये 10-20 किलोमीटर कभी पहाड़ के ऊपरी हिस्से में यात्रा करिए तो कहीं ये 2-3-4 पड़े हुए मिल जाते हैं, मेरे पास है। तो ये जो चंद्रशेषा है, मृग रक्तम है या और इस तरह की जो तंत्र में प्रयोग होने वाली चीजें हैं, ये क्या है? ये एक तरह की केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, लेकिन इसकी जानकारी, इसके फॉर्मूले की जानकारी और इसके प्रयोग विधि की जानकारी जिसको है वो व्यक्ति तंत्र में सफल हो जाता है। तंत्र कभी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये तो बहुत छोटी चीज है। तंत्र तो ब्रह्मांड की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह पूरा का पूरा दर्शन, पूरा का पूरा विज्ञान जो विकसित हुआ वो भगवान शिव की कृपा से विकसित हुआ। शिव और पार्वती के संवाद के रूप में इसको शंकर, जो कि शैव धर्म के संस्थापक प्रवर्तक और उस पद के प्रमुख हैं, उनके द्वारा अपने शिष्यों को बताया गया, जो उन्हें शैव ऊर्जा ब्रह्मांड की तरंगों से प्राप्त हुआ ज्ञान है वो उन्होंने शब्दों में बता दिया, शिष्यों ने शब्दों में सुन लिया और श्रुति और स्मृति के आधार पर याद रखा। और बाद में याददाश्त की कमी के कारण जब भाषा विज्ञान विकसित हुआ तो उसको लिपिबद्ध कर दिया, जो कि आजकल भोजपत्र और पांडुलिपियों के तौर पर समाज में उपलब्ध। लेकिन ये बहुत छोटा अंश है, 3-4% बस। 95-96% तंत्र साहित्य जो है वो वैष्णव आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिया। कारण क्या था कि उन्हें ये भय था कि अगर तंत्र विज्ञान शैवों का जीवित बना रहा तो यह इतना सशक्त माध्यम है कि हमारा जो एक ख्वाब है कि पूरी पृथ्वी पर वैष्णव साम्राज्य हो, उसमें ये विद्या, ये विज्ञान हमेशा हमारे लिए चुनौती बनी रही। इसलिए उन लोगों ने जहां तक उनका प्रयास चला वहां तक उन्होंने शैव तंत्र विज्ञान को नष्ट करने का प्रयास। लेकिन इसके बाद भी शैव तंत्र विज्ञान के बहुत बड़े बड़े प्रकांड आचार्य हुए। जब हम तंत्र पर कक्षा लेंगे तो उसमें उनके कार्यशैली, उनकी चिंतन शैली, उनकी जीवन शैली, उनके साहित्य, उनकी सामग्री, उनको प्रयोग करने का विधान, इन सब पे चर्चा करेंगे। अभी हम शिव पुराण पे बात कर रहे हैं। तो तंत्र के जो अधिष्ठाता देवता है भगवान शिव, उनका वर्णन सभी साहित्यों में मिलता है। शिव पुराण स्पेसिफिक जो भगवान शिव के जीवन पर लिखा गया उनके भक्तों के द्वारा, उसमें 24,000 श्लोक, 6 खंड, और वह 6 खंड अपने आप में 100-100 विद्याओं को समेटे हुए, मतलब 600 विद्याओं का वर्णन सांकेतिक रूप में आपको शिवपुराण के अंदर मिलेगा। भगवान शिव पर पुराण के अतिरिक्त संहिताओं का भी वर्णन, जो मूलतः तमिल भाषा में थी लेकिन गुरुकुलों में पढ़ाने के लिए इन्हें वैष्णव लोगों ने अपनी भाषा संस्कृत में ट्रांसलेट किया, जो अब चलन है, क्योंकि तमिल भाषा के मूल ग्रंथ तो नष्ट हो गए। तो इसमें जो महत्वपूर्ण संहिता है वो 8 है, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता,
उमा संहिता, विद्वेश्वर संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता। वायु संहिता के दो भाग हैं, पूर्व और उत्तर, क्योंकि भगवान शिव वायु तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इस पुस्तक का नाम वायु संहिता पर। ये सारा का सारा शैव तंत्र शिव और पार्वती के संवाद के रूप में उपलब्ध है, और इस पर जो प्रमाणिक तंत्र की पुस्तक है वह भैरव तंत्र रत्नावली। इसमें ध्यान के 112 सिद्धांत दिए गए। यह सारे सिद्धांत व्यक्ति की मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से दिए। प्रथम श्रेणी का ध्यान जब आप कर लेते हैं तो फिर द्वितीय श्रेणी का करते हैं, तृतीय श्रेणी का तृतीय के बाद, चतुर्थ चतुर्थ के बाद, इस तरह 112 श्रेणियों में पूरे के पूरे भैरव तंत्र रत्नावली को बांटा गया। यह मानसिक तरंगों को विकसित करने का प्रमाणिक ग्रंथ। ओशो ने इस ग्रंथ को मनोचिकित्सा के लिए प्रयोग किया, इसीलिए उसके आश्रम में सबसे ज्यादा भीड़ लगती थी, क्योंकि इसने पूरे के पूरे भैरव तंत्र को लोगों को डिप्रेशन से निकालने के लिए प्रयोग किया। इसीलिए देखिए ओशो की जितनी भी ध्यान साधना विधि है उसमें कोई भी साधना विधि एकांत में एक जगह बैठकर नहीं, कोई नृत्य फॉर्म में है, कोई संगीत के फॉर्म में है, कोई स्वर के फॉर्म में है, कोई तरंग के फॉर्म में है। तो उसने पूरे के पूरे विश्व में जितने भी तंत्र आज उपलब्ध हैं वो सारे तंत्रों का जो सार है भैरव तंत्र, वहां से इन पद्धतियों को लिया और इनमें से 36 पद्धतियों को उसने प्रमाणिक रूप से यह सिद्ध कर दिया कि ये काम कर रहे हैं, और लोगों की मेंटल थेरेपी देना शुरू किया, मानसिक उन्हें चिकित्सा देना शुरू किया, और उसमें जो रिलैक्स महसूस हुआ उस रिलैक्स के कारण पूरी दुनिया के लोग ओशो के आश्रम आया करते, और वहां पर वो अपने मानसिक संतुष्टि मेंटल रिलैक्स के लिए तंत्र पद्धतियों का प्रशिक्षण लिया करते थे। और यह प्रशिक्षण विख्यात होते 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 इतने बड़े स्तर पर चला गया कि ओशो को अमेरिका में इनवाइट किया गया वहां जाके बसे, और अमेरिकन्स को डिप्रेशन से निकालने के लिए जो रजनीशपुरम ओशो धाम में भीड़ लगती थी, हर फ्राइडे की शाम से लोग आने लगते थे, वीकेंड में और सैटरडे संडे वहां रहते थे लाखों की तादाद, और मंडे की सुबह चले जाते थे अपने अपने काम पर, उस कारण वहां का राष्ट्रपति भयभीत हो गया रीगन, और उसने ओशो को जहर डलवाकर मरवा डाला। और इसका बदला क्या हुआ, रीगन जब राष्ट्रपति पद से उतरे तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त, विक्षिप्तता का आलम उनका ये था कि उन्हें पेशाब लगती थी तो वो सड़क में भीड़ भाड़ के इलाके में ही पेशाब करना शुरू कर देते, उन्हें इतना भी विवेक नहीं रह गया था कि किसी दीवार के पास या किसी पेशाब घर में कहीं जाकर के एकांत में पेशाब। अंतिम के 7 वर्ष उनके बहुत दुर्दशा में। तो ये सारी चर्चा के पीछे जो कहने का भाव है वो ये है कि तंत्र जो है ये एक ऐसा आवरण, एक ऐसा कवच है कि यदि कोई अज्ञात रूप से भी आपसे शत्रुता लेगा
आपका ये कवच खुद ही डिफेंड करता है, आपको कुछ सोचने बोलने की जरूरत नहीं। ऐसा मेरे अपने जीवन के अनुभव में मैंने सैकड़ों बार महसूस किया कि जो अनावश्यक रूप से लोग उलझते हैं वो अनावश्यक रूप से परेशान होते हैं, मेरी जबकि कोई मनसा उसमें नहीं। ये भगवान शिव की कृपा है, ये तंत्र की शक्ति है, तंत्र का कवच। विश्व के सभी तंत्रों का आधार, दुनिया में जितने भी तंत्र हैं वो सारे तंत्रों का आधार शैव तंत्र ही है। उसी को लोगों ने अपने अपने तरीके से विकसित किया, देवी की तांत्रिक शक्ति की उपासना करने वालों ने अपने तरीके से विकसित किया, विष्णु की उपासना करने वालों ने अपने तरीके से विकसित किया, या और भूत प्रेत पिशाच जिन मजार मस्जिद जहां कहीं भी आज तंत्र का प्रयोग हो रहा है, ये सारे तंत्र का मूल जो है ये शैव तंत्र पद्धति है। शैव तंत्र विज्ञान में बिंदु, नाद, तरंग, ऊर्जा, संवेदना, अनुभूति, इस तरह की जो जितनी भी चीजें हैं जो विज्ञान की दुनिया से बाहर हैं, जिनको विज्ञान आज तक पकड़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, वो सारा का सारा विज्ञान शैव तंत्र विज्ञान का अंश है। तंत्र विशुद्ध रूप से सूक्ष्म मानसिक ऊर्जा का खेल है। जो लोग गले में बड़ी बड़ी नरमुंड की माला, रुद्राक्ष और बड़ा सा जटा और जटा में तमाम साला रुद्राक्ष लपेट लेते हैं, ये सब बस सिर्फ आडंबर। अपने को महत्वपूर्ण दिखाने की चेष्टा, ऐसे लोग तांत्रिक दिखते हैं, होते नहीं। जो तांत्रिक होता है वह कभी भी वहां आडंबर में नहीं पड़ता, वो एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन यापन करे। जो ऊर्जा का खेल है उसे खेलता है अपने समय के साथ। तो इसलिए बहुत भभूत अभूत लगाकर, सर पे त्रिपुंड लगाकर, नकली आंख बनाकर और रुद्राक्ष आदि की माला आदि पहनकर जो लोग अपने को बहुत बड़ा तांत्रिक बताते हैं, वो लोग बहुत थक तो सकते हैं लेकिन उनके तंत्र बहुत प्रभावशाली नहीं। सबसे बड़ा नाम है इसमें चंद्रा स्वामी जी का। रूप स्वरूप वेशभूषा नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट ही वही चलाते, अंततः क्या हुआ। या और भी बहुत से उदाहरण, हमारी राजनीति में तो तंत्र का सदैव से प्रयोग रहा। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु ही तंत्र से हुई थी। अपने सुरक्षा के लिए इंदिरा गांधी ने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को तांत्रिक कवच के तहत अपने पास रख छोड़ा और उन्होंने जो रुद्राक्ष की माला दी थी उससे उनके ऊपर कई बार जानलेवा हमले हुए लेकिन वो बच गए। और जिस दिन उनका अंतिम दिन था उस दिन इंटेंशनली उनको वो रुद्राक्ष की माला नहीं पहनने दी गई जैसा कि इतिहास बताता है और उनकी हत्या हो गई। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं हमारे इतिहास में जो तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन सूचनाओं के अभाव में, सूचनाओं की जानकारी ना होने पर हम उनके बारे में जान नहीं। मुझे आज तक अपने जीवन में कोई भी ऐसा बड़ा बिजनेसमैन, कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन, कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी बड़ा फिल्म स्टार
जिसको आप आदर्श मानते हैं, आइकॉन मानते हैं, प्लेयर नहीं मिला, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुरु के आश्रय में मानसिक ऊर्जाओं के खेल से संरक्षित ना किया गया। हर एक के गुरु हैं, कुछ ज्ञात हैं कुछ अज्ञात हैं, लेकिन हैं सबसे। जब आप थोड़ा उनके निकट जाएंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन हम लोग क्योंकि दूर से देखते हैं ऐसी चीजें हम लोगों के सामने से नहीं आ पाती। तंत्र का जो टोटल स्वरूप है, आकार है, उसका शाब्दिक अर्थ अगर आप लेते हैं तो तन अर्थात विस्तार, फैलाव, और त्रय अर्थात रक्षा। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की रक्षा की एक ऐसी विद्या जिसका पूरे विस्तार के साथ जहां पर वर्णन है वो ज्ञान तंत्र है। इस विद्या को आचार्य स्वयंभू भगवान शिव ने वरदान के रूप में मनुष्य को प्रदान किया। इसीलिए भगवान शिव के तंत्र के जो दूसरे स्वरूप हैं, उन स्वरूपों को हम लोगों ने दूसरे नाम से जाना, लेकिन है वो तंत्र का ही हिस्सा। योग तंत्र का हिस्सा, सर्जरी तंत्र का हिस्सा है, आयुर्वेदा तंत्र का हिस्सा है, वनस्पति विज्ञान तंत्र का हिस्सा है, काम शास्त्र तंत्र का हिस्सा है, ऊर्जा शास्त्र तंत्र का हिस्सा है, आयुध शास्त्र तंत्र का हिस्सा है, संगीत शास्त्र तंत्र का हिस्सा है, नाद शास्त्र तंत्र का हिस्सा है। मतलब कि जितना भी ज्ञान विज्ञान मौजूद है प्राकृतिक रूप में, जहां कहीं भी, जहां पर आर्टिफिशियल कोई चीज नहीं है, कृत्रिमता कोई चीज नहीं, वह सारा का सारा विज्ञान का बेस, उसका मूल जो है वो तंत्र ही है। मानसिक तरंगों का ये जो तंत्र विज्ञान है, जब एलोपैथी नहीं थी, होम्योपैथी नहीं थी, आयुर्वेद सीमित क्षेत्र में था, तब व्यक्ति के दांत की पीड़ा तंत्र से ठीक कर दी जाती, सांप काट लेता था व्यक्ति मर गया, तंत्र से जीवित कर दिया जाता, कान में बेताशा दर्द हो रहा है, मंत्र पढ़ के फूंक दिया, ठीक हो गया, याददाश्त चली गई, मंत्र पढ़ के फूंक दिया, मानसिक न्यूरॉन्स बैलेंस हो गए, याददाश्त वापस आ गए, व्यक्ति कोमा में चला गया, कुछ विशेष जड़ी बूटियों की मदद लेकर उसको तंत्र विज्ञान से कोमा से बाहर ले आया जाता। मतलब कि मरे से मरे स्थिति में, जिसे सामान्य परिस्थितियों में दूसरे लोग कहते हैं मर गया, उस स्थिति में भी तंत्र का जानकार, तंत्र विद्या का पारंगत व्यक्ति को पुनः उस मृत्यु से वापस ले आता है। इसीलिए भगवान शिव को महामृत्युंजय कहा गया, जो मृत्यु को जीत चुके हैं, उनका जो भक्त है जिसने मृत्यु को जीत लिया, महामृत्युंजया। भगवान शिव के जितने भी भक्त, वो सारे के सारे भक्त प्रायः पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं, उन्हें कोई भी शारीरिक या मानसिक रोग जल्दी नहीं होता। इसका मूल कारण क्या? क्योंकि नाभि के अंदर जो ऊर्जा है, जो आपकी जीवनी ऊर्जा, मां के नाल से जुड़ी हुई, मां के गर्भ से जुड़ी हुई,
स्वयं उपासना पद्धति में आप इस ऊर्जा को ले जाकर सहस्त्रधार से जोड़ देते हैं। और जब ये नाभि की ऊर्जा सहस्त्रधार तक निरंतर बिना किसी अवरोध की चलती रहती है तो ये आपके बॉडी के पूरे सिस्टम को एकदम सही रखती है। इसीलिए भगवान शिव का अनुयायी क्रोधी हो सकता उसे क्रोध तेज आता लेकिन अस्वस्थ नहीं, वो डिप्रेशन का पेशेंट नहीं, अवसादग्रस्त नहीं। तो शैव तंत्र जो है ये व्यक्ति को स्वस्थ भी रखता है और व्यक्ति को जागरूक भी रखता है। भगवान शिव के जितने अनुयायी हैं उनका ये मानना है कि ब्रह्म तत्व ब्रह्म बिंदु यहां से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उससे प्रकट हुआ यह ब्रह्मांड एक दिन वापस फिर उसी ब्रह्म तत्व में समिट जाएगा। तो ब्रह्मांड जब उसी से पैदा हुआ और उसी में से समिट जाना है तो फिर मोक्ष के लिए अलग प्रयास क्यों? मोक्ष का मतलब ही है कि आप कहीं अपने को बंधन में महसूस कर रहे हैं, कहीं बंधे हुए हैं। जमानत की जरूरत उसे है ना जो जेल में बंद है। मोक्ष की कामना उसकी है जो बंधन में अपने को घुटा हुआ डिप्रेशन महसूस कर रहा है अपने अंदर, उसे मोक्ष चाहिए। लेकिन शैव कभी मोक्ष की कामना नहीं करते, वो जहां जिस लोक जिस स्थिति में है परम चैतन्य परम प्रसन्न है, क्योंकि वह मानकर चलते हैं कि सृष्टि का आदि से अंत तक समग्र सृष्टि भगवान शिव के अधीन है, इसलिए उन्हें मोक्ष की कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। वो किसी भी लोक में चले जाए, गौलोक चले जाए, ब्रह्म लोक चले जाए, राम लोक चले जाए, कृष्ण लोक चले जाए, किसी भी लोक में चले जाए, हर जगह हर लोक की उत्पत्ति शैव तत्व और शैव ऊर्जा से हुई, तो उन्हें किसी लोक में जाने की कोई कामना ही। पृथ्वी भी उसी तत्व से बनी है और ब्रह्मलोक भी उसी तत्व से बना है। पृथ्वी पर भी उसी तरह की ऊर्जाएं हैं, ब्रह्मलोक में भी उसी तरह की ऊर्जाएं। हाँ, काल का फर्क पड़ता है। पृथ्वी पर काल की स्पीकर देखो कितना होना है। उसको देखे रहा करो, जो हो से तुरंत बाहर कर दिया। वो स्कूटर रख रहे हैं घर के अंदर तो उसके लिए सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आगे ध्यान रखना। तो ये जो ब्रह्म तत्व और ब्रह्म ऊर्जा का पूरा खेल है, इस पूरे के पूरे खेल में हम जब शैव जीवन शैली का अनुकरण करते हैं तो उस शैव जीवन शैली में भगवान शिव के अधीन सभी कुछ हो जाता है, क्योंकि यह पूरी की पूरी समग्र सृष्टि उसी भगवान शिव से उत्पन्न हुई और समाप्त भी उसी शैव ऊर्जा में होगी, शिव में होगी, ब्रह्म तत्व में ही होगी। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो शैव जीवन शैली का अनुपालन करने वाला, उसे कोई ना परेशानी है, ना भय है, ना अवसाद है, ना बंधन है, वह परम मोक्ष को पहले से ही प्राप्त है। इसलिए शैव ऊर्जा शैव जीवन शैली मनुष्य को पूर्णतः विकसित कर, शैव ग्रंथों को वैष्णो विचार कोड वैष्णो आक्रांताओं के प्रतिनिधियों या तो नष्ट कर दी और या फिर
उनको हड़प कर, उनको मॉडिफाई करके अपने में अपने अनुकूल बना लिया। आप रुद्र अभिषेक करते हैं तो उसमें भी भगवान विष्णु का संकल्प, अब भाई शिव का संकल्प क्यों नहीं जाऊं रुद्र अभिषेक करना। बीच बीच में भगवान विष्णु की स्तुति जबरदस्ती घुसेड़ दी गई, जैसे मैक्स मूलर द्वारा भारत के वेद के वैदिक ज्ञान में जबरदस्ती दूसरे ज्ञान घुसेड़ दिए गए। मैकाले द्वारा भारत के शिक्षा ज्ञान में जबरदस्ती पश्चिमी ज्ञान घुसेड़ दिया गया। उसी तरह वैष्णव, देखो कौन स्पीकर के साथ निकाल बात कर रहे, कौन है ये जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है भाई, निगाह रखो, निकाल के बात करो। जिसको आप में संयम नहीं है उसे यहां आने की कोई जरूरत नहीं, ध्यान रखो उसका, निकाल के बाहर करो, परमानेंट ब्लॉक करो, कोई भी हो। तो आत्म संयम द्वारा पूरे के पूरे गुरुकुल की जो व्यवस्था को चलाया जाना चाहिए था, उसमें उनके पास कोई विकसित तंत्र ज्ञान नहीं था। अगर उनके पास तंत्र का विकसित ज्ञान होता तो उन्हें पूरी दुनिया पर हथियार लेकर लड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ती। तलवार लेकर लड़ रहे हैं, गदा लेकर लड़ रहे हैं, या और दूसरी विधाओं से लड़ रहे हैं, क्या जरूरत। मानसिक तरंगों का खेल है, आप अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करिए, दूसरे को अपने विचारों से कन्विंस करिए, और दोनों जन मिलकर सुख के साथ प्रकृति का आनंद लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो उन लोगों ने हमारे शैव ज्ञान को या तो अपनी सुरक्षा कारणों से नष्ट कर दिया, और जो ज्ञान उन्हें लगा के उपयोगी है उसको उन्होंने अपनी भाषा संस्कृत भाषा अनुवादित करके अपने गुरुकुलों में पढ़ाना शुरू कर, जबकि शैवों का जो मूल ग्रंथ, मूल भाषा वो तमिल है। हमारे यहाँ पूरी की पूरी शैव परंपरा पूरे पृथ्वी पर विराजमान थी, उसमें शैव के साथ साथ में सिद्ध परंपरा थी, नाथ परंपरा थी, दिगंबर परंपरा थी, सूफी परंपरा थी, बहुत सारी परंपराएं, लगभग 1200 से अधिक परंपराएं शैव जीवन शैली की परंपरा का अंश थी। 1200 जो छोटे छोटे समूहों में अपने अपने तरीके से शैव ज्ञान को लोगों में जागरूक करती थी, फैलाती थी। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत कलश वैष्णव लोगों ने हड़प लिया, और भगवान शिव को जो कहा जाता है कि उन्हें जहर दे दिया गया और उन्होंने उसको अपने कंठ में स्थापित कर लिया, ये प्रतीकात्मक है। अमृत कलश इन लोगों ने हड़प लिया और शैवों को भ्रमित करके बहुत बड़े पैमाने में जहर पिला, जिसमें शैवों के बहुत बड़े बड़े विद्वान उस जहर को बर्दाश्त नहीं करते। आयुर्वेदाचार्यों ने उसका इलाज किया, व्यवस्था की, सब कुछ किया, बहुत से लोगों को बचा लिया, और बचाने के लिए जिस विज्ञान को विकसित किया वह विज्ञान मृत संजीवनी विज्ञान है, अर्थात जो मर गया उसे पुनर्जीवित कर, मरे हुए को संजीव कर देना, पुनर्जीवित कर देना। ये जो छल हुआ समुद्र मंथन के समय, शैवों को जहर पिला दिया गया और वैष्णव
योद्धाओं को अमृत पिला दिया गया। उसमें जो शैवों को जहर पिला देने के बाद उन शैव योद्धाओं को बचाने का जो प्रयास किया, जो उसके लिए विद्या का इस्तेमाल किया गया, जिसके करने वाले व्यक्ति शुक्राचार्य जी महाराज, जिन्होंने ये विद्या भगवान शिव शंकर से सीखी। तो जब वह जहर पीकर मरे हुए लोग पुनः जीवित हुए मैं संजीवनी के द्वारा, तब देवताओं के आचार्य बृहस्पति ने अपने बेटे को यह विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास भेजा, जहां पर छल पूर्वक उसने इस विद्या को सीखा और शुक्राचार्य ने उसको शापित किया। शुक्राचार्य की बेटी ने उसको शापित किया कि तुम ये जो मेरे पिता से छल पूर्वक विद्या सीख कर जा रहे हो, अब विद्या सीख ली है वो तो ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओ, ये मेरा शाप है। तो उस स्थिति में वह स्वयं तो कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन देवताओं को यह मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई और उन्होंने इस विद्या का प्रयोग अपने तरीके से, अपने माध्यम से किया। तो यह मृत संजीवनी विद्या जो हुई, ये धन्वंतरी जो वैष्णव के आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने बृहस्पति के पुत्र से था। ये बहुत लंबा और बड़ा विस्तृत विषय है, कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा हो तो बताएं, फिर आगे। किसी का कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ाइए। कोई प्रश्न नहीं है? प्रणाम गुरु जी, बोलिए। मुझे थोड़ा सा एक ये सवाल पूछना था। मेरी दादी मुझे एक किस्सा सुनाती थी कि 80 साल पहले तक जब कुंभ मेला लगता था तो साधु संत पहाड़ों से जब नीचे आते थे कुंभ के लिए, ये गंगा जी में स्नान करने के लिए, तो हमारे गांव में रुकते थे। तो एक साधु जी ने मेरे दादाजी का फेस ये बताया था कि आपके 5 पुत्र होंगे, वो ये करेंगे वो करेंगे, मतलब उनके बच्चों का भी पूरा भविष्य बता दिया। तो ये किस चीज से संभव होता है, ये तंत्र से या काल गमन सिद्धि से होता है? तंत्र की एक विधा है काल गमन सिद्धि जी। इसमें व्यक्ति पीछे के काल में भी जा सकता है साधना द्वारा और भविष्य को भी देखा, जिसे हम लोग आजकल कहते हैं टाइम मशीन, टाइम ट्रेवल, जिसके लिए वैज्ञानिक खोपड़ी पटक रहे हैं। ये काल गमन साधना जी जी। अच्छा, ये इससे संभव है? तो ये अभी भी है ये विद्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है, साधक लोग करते हैं। हमारे राहुल जी हैं जो बनारस वाले, वो करते हैं, अभी भी करते हैं। चलिए, तो ये जो शैव जीवन शैली, जैसे जैसे वैष्णव हावी होते गए और उन्होंने 10,000 साल तक शैव जीवन शैली के साथ निरंतर संघर्ष किया, निरंतर 10,000 साल, और अंतिम फुल एंड फाइनल जो युद्ध हुआ वो महाभारत का युद्ध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जिन्हें हम लोग विलियन कहते हैं, ये सब शैव। तो इस महाभारत के युद्ध में जब राजा लड़कर खत्म हो गए, गुरुकुलों और धर्म स्थलों का पोषण करने वाले लोग नहीं बचे, तो समाज में विकृति शुरू हुई, जिसे कहा गया कि कलयुग शुरू हो गया। फिर भी 2,000 वर्षों तक
विकृत होते 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 कुछ लोगों ने नियंत्रित किया, कुछ लोगों ने संभाला, कुछ साधु संतों मनीषियों ने इस पर समाज को बांधने की कोशिश की, तरह तरह के प्रयास होते रहे। 2000 साल तक इस सनातन धर्म का बेसिक स्ट्रक्चर पतन की ओर गिरता चला। वर्ण व्यवस्था लगभग खत्म, जो काम किसी वर्ण विशेष के थे वह कार्य सभी वर्ण में होने लगे। उसका परिणाम क्या हुआ? गैर ब्राह्मण धर्म गुरु होने लगे। और जब गैर ब्राह्मण धर्म गुरु होने लगे तो आए दिन नए 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 धर्मों की स्थापना होने लगी। धर्म माने एक प्राइवेट कॉरपोरेट ऑफिस। मुशरिक धर्म आया, यजीदी धर्म आया, यहूदी धर्म आया, ईसाइयत आई, सूबी आई, इब्राहिमी आई, बौद्ध आया, जैन आया, इस्लाम आया, वरावी आया। लगभग 6400 तरह के धर्म अलग अलग तरह से पूरी दुनिया में, अलग अलग क्षेत्रों में, छोटे छोटे कुनबों और समूहों में विकसित होने शुरू। लेकिन उनमें से मात्र 14 धर्म को विश्व में मान्यता मिली, और वहीं से धीरे 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 टिके होते 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 अब स्थिति ये आ गई कि सनातन धर्म अपने नष्ट होने की पराकाष्ठा पर आ गया। ये जो पूरा का पूरा चक्र 10,000 साल से चल रहा है विभिन्न नामों से, इस इतिहास को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप अपने पतन के कारण को नहीं ढूंढ सकते। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि विवत्स मन की जो पांचवी पीढ़ी, उस पांचवी पीढ़ी ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और वहां से बौद्ध धर्म कई बार उदित हुआ, विलुप्त हुआ, उदित हुआ, विलुप्त हुआ, उदित हुआ, विलुप्त हुआ। और जिस बौद्ध की हम बात करते हैं, गौतम बुद्ध, वो बौद्ध धर्म के 27वें प्रवर्तक, और उसके बाद गौतम बुद्ध के ममेरे भाई आनंद ने गौतम बुद्ध के ओट में बौद्ध धर्म को कॉरपोरेट की तरह विकसित किया और पूरी दुनिया में फैला दिया प्रचार के माध्यम। तो ये जो गौतम बुद्ध हैं, जिनको बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, ये बौद्ध विचारधारा के 27वें पीढ़ी के अनुयायी थे और अंतिम थे, क्योंकि आनंद ने इसके आगे चीजों को बढ़ने नहीं दिया। बनारस के एक सुप्रसिद्ध तांत्रिक थे द्रोण, उन्होंने पूरी तंत्र ऊर्जा लगा दी और 30% पृथ्वी के भूभाग पर, 30% बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, स्थापना, जिसको कि उखाड़ फेंकने के आदि गुरु शंकराचार्य ने एक अभियान चलाया, भारत के चार कोनों में चार पीठ की स्थापना की और उस पीठ के मध्य से
नागा सन्यासियों की मदद से बौद्ध धर्म को उखाड़ दिया। इसीलिए देखिए चार पीठ जो हैं उनके बाहर बौद्ध धर्म मिलता है। बात तो मुगल आक्रांताओं ने बौद्धों को अपने रंग में ढाला और पश्चिम से आए हुए मुगलों ने बौद्धों को, हिंदुओं को, सभी को बलपूर्वक मुसलमान बनाए। लेकिन जब तक मुगल नहीं आए थे 1400 साल पहले तक, तब तक पूरा का पूरा द्वारिका के आगे का क्षेत्र, अफगान तक पूरा, बल्कि ईरान, इराक तक कह सकते, ये सब बौद्धगामी होंगे। सनातन धर्म ये लोग पहले ही त्याग चुके। तो ये जो स्थिति है, ये जो व्यवस्था है, ये जो संरचना है, इस पर ऐसा नहीं कि अभी पिछले 500 साल में कोई आक्रमण शुरू हो गया, 10,000 साल से बराबर आक्रमण होता चला। भगवान शिव के आचार्य प्रतिनिधि, शैव के प्रमुख व्यक्ति शंकर, इनका निवास स्थान कैलाश। मैदानी क्षेत्र में उन्होंने शैव अनुयायियों को ज्ञान देने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जिस क्षेत्र की स्थापना की, जिस नगर की स्थापना की, वो काशी, जहां पर शंकर ने पार्वती जी के साथ संवाद किया, राहे वो अमरनाथ की गुफा, कहते वहां पर तोता अभी भी दोठा है। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के संवाद को सुन करके उसमें तंत्र की अमरत्व का जो विधान, उस अमरत्व के विधान को प्राप्त कर लिया और अपने को अमर कर लिया। आज भी है, आगे भी रहेंगे, हम लोग मर जाएंगे तब भी वो जीवित रहेंगे, जबकि 7-8 साल बहुत है, या 10 साल, 12 साल, इससे ज्यादा तोता जीवित नहीं रहा। लेकिन वह तब से, उस काल से जीवित है जब से उसने भगवान शिव और पार्वती के तंत्र के अमरत्व विधान पर उनके शास्त्रार्थ को सुना और उसको उसका अनुकरण किया, उसको अपनाया। तत्वों में भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करने वाला वायु तत्व, जिन आचार्यों ने शैव धर्म की स्थापना के लिए सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा अपने आप को लगाया, वैष्णव से टक्कर ली, संघर्ष किया, नंदिकेश्वर महाराज, दत्तात्रेय, शंकराचार्य जी महाराज, मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ, ये जो गोरखपुर की पीठ है, जहां के मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, गोरखनाथ जी ने बहुत त्याग किया शैव धर्म की पुनः स्थापना की, अद्भुत त्याग, शावर तंत्र की स्थापना उन्होंने की। शैव परंपरा में इन आचार्यों ने समूहों को बांटकर पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, उन समूहों के 16 टुकड़े किए गए, 10 नामी शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, इस तरह से 16 अलग अलग टुकड़ों में इस पूरे के पूरे व्यवस्था को इन आचार्यों ने शैव धर्म की पुनः स्थापना के लिए स्थापित किया, जिनको विलियन घोषित कर दिया वैष्णव लोग। वो संस्कृतियां वास्तव में
शैव जीवन शैली का अनुक्रमण करने वाले की अनुसरण करने वाले जिनको विलियन घोषित कर, जैसे यूरोपियन ने एडोल्फ हिटलर को विलियन घोषित कर, उसी तरह जो शैव संस्कृत के पोषक थे दैत्य दानव असुर रक्ष जिनसे राक्षस कहा जाता है, नाग भूत प्रेत ये सब योनियां है, पिशाच किन्नर वानर ये सारी की सारी योनियां, ये सारे के सारे समूह, ये सारे के सारे लोग शैव जीवन शैली के अनुयायी। वैष्णव ने इनके ऊपर आक्रमण करके छल बल से इनको जीता और अपने शासनकाल में इन सबको विलियन घोषित कर दिया, खलनायक घोषित कर दिया अपने इतिहास। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के योग का पद्धति का जो सिद्धांत है वो अलग है और शैव प्रवृत्ति के शैव जीवन शैली के योग के सिद्धांत की प्रवृत्ति अलग है। वैष्णव जीवन शैली में सबसे ज्यादा फोकस साधना पर दिया जाता है, गुरु पर दिया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता उठाइए, गुरु का महत्व बताया गया, कैसे ध्यान साधना करें यह बताया गया, योगी के क्या क्या लक्षण है यह बताया गया, व्यक्ति को किस तरह योग सिद्ध होता है यह बताया गया और उसे कैसे ईश्वर की आराधना पूजा करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए यह पूरा का पूरा विधान श्रीमद् भगवत गीता में बताया। वैष्णव ग्रंथ हमारे यहां शैव पद्धति में क्या, उनका कहना यह है कि चित्त की वृत्तियों से लड़ो मत, क्योंकि चित्त की वृत्ति से लड़ा ही नहीं जा सकता। इसलिए चित्त की वृत्ति को दबाओगे अगर तुम योग करके ध्यान करके साधना करके तो तुम्हारे अपने अंदर एक विद्रोह खड़ा हो जाएगा। इसलिए चित्त की वृत्तियों से लड़ो मत, कि करना क्या है बस छोटा सा काम कि चित्त की जो वृत्तियों में रस निकल रहा है उसको मत इंजॉय करो, रसा स्वादन छोड़। तो चित्त की वृत्ति संस्कारों से पैदा हो, जन्म जन्मांतर के संचित संस्कार। आप ध्यान योग मेडिटेशन से जब उसको दबाते हो सप्रेस करते हो तो वो नष्ट नहीं होता, वो अंकुर रूप में बीज रूप में आपके चित्त के अंदर पड़ा रहता है जो अनुकूल परिस्थिति पाते ही फिर जागृत हो जाता है। लेकिन शैव जीवन शैली क्या कहती है कि संस्कारगत जो चित्त की वृत्ति है उसके लड़ो मत, बस उसमें रस लेना बंद कर दो, रसास्वादन छोड़। और इसी के लिए पूरे के पूरे पृथ्वी पर पूरे के पूरे ब्रह्मांड में शैव जीवन शैली की जो योग पद्धति है ब्रह्मास्मि क्रिया योग, वह सबसे शक्तिशाली है, सर्वश्रेष्ठ है, मानसिक तरंग मानसिक ऊर्जाओं पर आश्रित है, ब्रह्मांड की तरंग को मानसिक तरंगों से जोड़ने का माध्यम है, वही एक विज्ञान है बस, दूसरा कोई है ही नहीं। इसीलिए देखिए
वैष्णव परंपरा में श्रीमद् भगवत गीता में साधक को योग भ्रष्ट होने की बात कही गई कि साधना करते 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 वह अपने चित्त की वृत्ति को दबा लेता, दबी रहती है। लेकिन जब ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, सोचने का तरीका बदलता है, प्रवृत्ति बदलती है, तो वह दबा हुआ संस्कार फिर से विकसित, और जैसे ही विकसित होता है वैसे ही वह अपने साधना के मार्ग से भटक जाता है। तो क्या कहते हैं, कहते योग भ्रष्ट साधक, ये वैष्णव परंपरा। लेकिन हमारे यहां शैवों में क्या, हमारे यहां चित्त की वृत्ति को दबाया ही नहीं जाता। हम कहते हैं चित्त जैसी वृत्ति करना चाहता है करो, मना नहीं है, लेकिन उस वृत्ति में रसास्वादन मत, बहुत अंतर है। एक जगह वृत्ति को दबाया जा रहा है, वृत्ति है लेकिन दब रही है, भोग नहीं रहा आदमी, और दबी हुई वृत्ति अनुकूल परिस्थिति पाकर पुनः जागृत होती है और व्यक्ति साधना के मार्ग से भटक जाता है। विश्वामित्र मेनका को देख के भटक गए, शकुंतला पैदा हो गई, भरद्वाज ऋषि भटक गए रंभा को देख के, द्रोणाचार्य पैदा हो गए, सैकड़ों उदाहरण मिले। तो जितने वैष्णव साधक हैं ये चित्त की वृत्ति को साधना के द्वारा दबाने का प्रयास करते हैं, और शैव साधक क्या कहते हैं कि जन्म जन्मांतर में जो चित्त की वृत्ति विकसित हुई है वह दब नहीं सकती। हां तुम जागरूक नहीं थे तो तुम उस चित्त की वृत्ति में रस ढूंढ रहे थे, रसास्वादन कर रहे थे। अब क्या करना है, अब तुम जागरूक हो गए, इसलिए अब उस चित्त की वृत्ति में रस ढूंढना बंद करो, वृत्ति अपने आप नष्ट हो जाए। आप रस ढूंढना बंद कर दो, वृत्ति नष्ट हो जाए, क्योंकि पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों के अनुसार वृत्ति अपना देश काल परिस्थिति प्रवृत्ति महादशा ग्रहों के लक्षण गोचर को देखते हुए विकसित होगी ही, ये प्रकृति की व्यवस्था है, होगी। लेकिन आप जागरूक नहीं थे तब तक आप उसमें रसास्वादन कर रहे थे, अब आप जागरूक हो गए हो तो रसास्वादन छोड़ दो, मन स्थिर हो जाए। तो ये बेसिक अंतर है शैव साधना पद्धति और वैष्णव साधना पद्धति। 9:10 हो गए हैं, अभी मुझे लग रहा है कि 2 एपिसोड और इस पर होंगे। आज किसी के कोई प्रश्न, कोई उत्सुकता, कोई जिज्ञासा हो तो 10 मिनट हम लोग चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद प्रवचन पूर्ण करते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। नहीं ना, ब्लॉक मत करिए, बताइए। हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जैसे ये मोक्ष के बारे में और भगवान शिव के बारे में समझाया, तो भगवान शिव के साधकों को तो थोड़े बहुत समय के बाद वैसे भी मोक्ष मिल जाता होगा, जैसा आपकी सारी बातें सुन के लगा कि वो मतलब वो हर हर चीज को, उनको मोक्ष की कामना ही नहीं होती क्योंकि उनके अंदर कोई कामना ही नहीं होती, तो जिसके अंदर वो कई सारे जन्म बिना कामना के जिएगा तो उसको तो वैसे भी मोक्ष मिल जाएगा, यही पूछना है बस, या नहीं मिलेगा मोक्ष जैसी किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं। मोक्ष की कामना एक ऐसा मायाजाल है जिसमें गुरु अपने शिष्य के कंधे पर रोटी सेकता रहता है, गुरु अपने शिष्य को अपने गुरुकुल की दुकान चलाने के लिए मोक्ष का लॉलीपॉप हमेशा पकड़ा रहता है। वैष्णव परंपरा एक छोटा
छोटी सी बात समझिए कि जब जीव ब्रह्म ऊर्जा से निकल के आया है, शैव ऊर्जा से निकल के आया और वापस उसी शैव ऊर्जा में समाहित होगा अवधि पूरी होने पर, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। और जब ये एक नेचुरल प्रोसेस है तो उस नेचुरल प्रोसेस को आप साधना, व्रत, तप, तपस्या, दुनिया भर की प्रक्रिया करके कृत्रिम क्यों बना देना चाहते हैं, आर्टिफिशियल क्यों बना देना चाहते हैं। जैसे मां को गर्भ है तो बच्चे का जन्म होगा ही, नेचुरल प्रोसेस है। आप जबरदस्ती पेट फाड़ के उसको कृत्रिम क्यों कर देना चाहते हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा पैसा मिल। उसी तरह वैष्णव आचार्य बच्चों को, अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को मोक्ष का लॉलीपॉप दिखा करके अपनी दुकान चला। अरे मोक्ष तो पहले से तुम्हें प्राप्त है। अरस्तावक्र राजा जनक से क्या कहता, प्रथम अध्याय के तीसरा श्लोक देखिए, कहता राजन मोक्ष तो आपको पहले से प्राप्त है, आपने तो बस माया को पकड़ रखा। माया का तात्पर्य यहां क्या, यहां माया का तात्पर्य है आप अपने कर्मों में सुख या दुख की अनुभूति कर रहे हैं बस। जिस दिन हम अपने कार्यों में, अपने कर्मों में सुख और दुख की अनुभूति करना बंद कर दें, रसास्वादन छोड़ दें, ना सकारात्मक रसास्वादन करें ना नकारात्मक रसास्वादन करें, तो हम तो विदेह हो गए, शरीर में रहते हुए ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। राजा जनक विदेह थे, शरीर में रहते हुए भी उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, तो इसके लिए गले में फांसी लटका के वेद पुराण पढ़ते हुए आत्महत्या करने की जरूरत था। मन की किसी भी स्थिति को किसी भी तरीके से, किसी भी प्रक्रिया से यदि आप कुचलने की कोशिश करोगे, दबाने की कोशिश करोगे, तो वह प्रक्रिया ग्रंथि बनेगी, वह आपके अवसाद का कारण बने। इसीलिए देखिए जितने भी वैष्णव उपासक हुए, जितने भी, कोई घर छोड़ के भाग गया, कोई ढोलक मजीरा लेके जगह जगह बजाता फिर रहा है, गाता फिर रहा है, कहते हम भक्त मार्गी हो गए। अरे भक्त मार्गी तो तुम तब होगे जब ईश्वर तुमसे बाहर कहीं तुम ढूंढोगे। अगर तुम्हारे बाहर वह ईश्वर नहीं है, वह ऊर्जा नहीं है, वह ब्रह्म जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वह ब्रह्म तुम्हारे अपने अंदर है, तो भक्त मार्गी होने की जरूरत क्या है? वह ब्रह्म तत्व, जिस तत्व, जिस ऊर्जा, जिस तरंग से यह सृष्टि बनी है, उसी ब्रह्म तत्व, वही ऊर्जा, वही तरंग से आप भी बने हो। तो दूध से दूध को अलग करके एक दूध छोटा दूसरा दूध बड़ा कैसे हो सकता है? दरवाजे एक दूध छोटा दूसरा दूध बड़ा कैसे हो सकता है? दूध का आकार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन दूध कभी छोटा बड़ा नहीं, दूध दूध ही है, चाहे वह एक कलश में रखा हो और चाहे वह एक गिलास में रखा हो। तो ये भाव, ये वजन जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, उस दिन वैष्णव उपासना पद्धति और शैव उपासना पद्धति का फर्क आपको समझ में आ जाएगा। और ये फर्क जब समझ में आ जाएगा तो उसी दिन आप रसा स्वादन छोड़ देंगे, कंजूस कंजूसी करना छोड़ देगा, हत्यारा हत्या करना छोड़ देगा, बलात्कारी बलात्कार करना छोड़ देगा। और जब आप अवगुणों को छोड़ देंगे, उनमें रसा स्वादन करना बंद कर देंगे, तो आप उसी क्षण, उसी मिनट
मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, विदेह की स्थिति में जीने लगेंगे, संसार के सारे संबंधों को निभाते हुए भी किसी भी संबंध में लिप्त नहीं होंगे। यही शैव जीवन है। ठीक है गुरुजी, एक प्रश्न और कर सकता हूँ? बोलिए। असुरों को फिर हम असुर क्यों बोलेंगे? असुरों को असुर जब वो शिव के उपासक हैं तो फिर उनको वो असुर कैसे हुए? फिर वो प्रकृति की व्यवस्था में कहाँ हस्तक्षेप कर रहे हैं जिससे वो असुर हुए? वैष्णव लोगों का कहना ये था कि जो पृथ्वी के लोग हमारी व्यवस्था के अनुकूल है, मतलब हमारी व्यवस्था के सुर में सुर मिलाकर चल रहे हैं, जो हमारे हिसाब से चल रहे हैं, वह सब सुर हैं, देवता। और जो लोग हमारी व्यवस्था वैष्णव जीवन शैली के अनुकूल नहीं चल रहे, इसके विपरीत चल रहे, वो सारे लोग हमारे सुर में सुर नहीं मिला रहे, इसलिए असुर। समझ में आ गया? तो गुरु जी कौरव भी असुरी थे? अब आपकी बुद्धि जो कहे वो सोच लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, और कोई बात, किसी की कोई जिज्ञासा? गुरु जी प्रणाम। बोलिए गुरु जी। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि शैव जीवन पद्धति के बारे में और उसकी इस साधना के लिए ब्रह्मास्म क्रिया योग पे विश्लेषण थोड़ा दें कि मतलब ये क्या है, कैसे है, क्योंकि हम सभी इसके बारे में कभी जानते नहीं, ना कभी किसी ने बताया भी है। कोई बात नहीं, तो ब्रह्मास्म क्रिया योग पर एक अलग चैप्टर, जब ये शिव पुराण पूरा हो जाएगा तो इसके बाद ब्रह्मास्म क्रिया योग पर एक दो दिन का सत्र ले लूंगा, उसमें बेसिक जानकारी आपको हो। और गुरुजी एक और कि मतलब जैसे आपने कहा कि उसमें रस ना लें किसी भी चीज, मतलब जैसे किसी भी संस्कार को छोड़ना है जो कि प्रवृत्तियां हैं हमारी, उसमें रस लेते हैं तभी हम उसमें लिप्त रहते हैं, तो उससे कैसे बाहर निकला जाए? ये साधना का विषय है। जब आप ब्रह्मास्त्र क्रिया योग हम समझाएंगे तो हम बताएंगे कि किस तरह के मानसिक स्थिति में व्यक्ति का रसास्वादन समाप्त हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। और कोई साथी कुछ जानना चाहे? चलिए, इसका मतलब किसी की कोई इस समय जिज्ञासा नहीं है। हाँ गुरु जी, तभी बोलिए। चित्र जो आपने बताया था ना, चित्र जरा देखो कौन कौन जुड़ा है। हाँ बोलिए। हाँ, जो से बोलिए, इतना धीमे से बोलते हैं। हाँ, चित्र वृत्तियों से जो आप बात कर बता रहे थे ना, तो मतलब हाँ, तो इसमें अगर आप थोड़ा सा और उसमें कुछ और बता पाए कि मतलब कैसे हो सकता है, जैसे आपने बताया कि हाँ, उसके बारे में थोड़ा और कुछ बता पाए। ये योग साधना भी शिव पुराण पे चर्चा चल रही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो शिव पुराण में क्या विज्ञान है, हम श्लोकों की बात नहीं कर रहे, तो शिव पुराण में क्या विज्ञान मौजूद है, पहले उसकी एक बार चर्चा पूर्ण हो जाए, फिर उसके व्यवहारिक पहलुओं पर हम लोग अलग अलग सत्र लेते रहेंगे, तो उसमें उन चीजों की चर्चा। जी जी, क्योंकि चित्र वैसे बहुत बड़ा लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज मतलब इसमें हो सकती है बातें। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी जी, चलो ठीक। और कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं? जी गुरु जी, रुद्राभिषेक से हमारे शरीर में क्या मतलब अंतर आ जाती है रुद्राभिषेक करने से? रुद्राभिषेक करने से शरीर में आपके नाभि के अंदर जो जीवनी ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा अगर सही प्रक्रिया से रुद्राभिषेक किया जाए तो वो सुषुम्ना नाड़ी से वह ऊर्जा ऊपर ब्रह्मांड तक चली जाती है, और जब ब्रह्मांड जागृत होता है तो उससे बहुत चीजें हमें स्वतः प्रकृति से प्राप्त होने लगती। इसलिए नियमतः तो प्रत्येक अमावस्या को रुद्राभिषेक करना चाहिए, लेकिन अगर प्रत्येक अमावस्या नहीं कर पाते हैं तो वर्ष में एक बार श्रावण मास में अवश्य रुद्राभिषेक करना चाहिए। ठीक है,
ठीक है। गुरु जी, इसे स्वयंभू शिवलिंग से ही करना चाहिए या मतलब स्थापित शिवलिंग नहीं, से भी किया जा पार्थिव सकता? पार्थिव पार्थिव से भी किया जा सकता जी, धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। रुद्राभिषेक करने की सही विधि, अगर आपका इस पे कोई लेख आ मेरी सकता है। वेबसाइट पर, मेरी वेबसाइट पर लेख पर है उपलब्ध, आप देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, चलिए। सभी साथियों को सभी नमस्कार, साथियों को नमस्कार, और हम लोग कल छोड़कर परसों फिर। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु, प्रणाम गुरु, ठीक, प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम गुरु, प्रणाम गुरु, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु।